يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम. ये एक बुक है जो मैंने बच्चों के लिए मंगवाई है, प्रॉफिट स्टोरीज, और मिराल आपको आज प्रॉफिट की कोई स्टोरी सुनाएंगी. तो ये बुक मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है स्टिल. तो आप लोग भी अगर बच्चों को कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो ये प्रॉफिट की स्टोरीज हैं और ये बहुत अच्छी हैं. तो आज मिराल आपको देखें कौन सी स्टोरी सुनाती है. प्रॉफिट स्टोरीज फ्रॉम द कुरान. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम. ओके, तो आज आप कौन से प्रॉफिट की हमें स्टोरी सुना रही हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. चलो पहले हम शिज़ा से क्वेश्चन करते हैं. और ये मैंने बच्चों के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, तो मैंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनके लिए गिफ्ट्स मैंने मंगा के रखे हैं. और शिज़ा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगी, और शिज़ा ने अगर मुझे अच्छा आंसर दिया तो शिज़ा को क्या मिलेगा? शिज़ा को मैं गिफ्ट दूँगी. ये शिज़ा का गिफ्ट है. तो शिज़ा आप रेडी हैं? ओके, चलें शिज़ा. मुझे आप बताएं कि अल्लाह ताला ने, अच्छा पहले तो ये मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा किया था, सबसे पहले इस दुनिया में कौन से बॉय आए थे, और सबसे पहले हमारे कौन से प्रॉफिट आए थे इस दुनिया में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. वेरी गुड, माशाल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. और सबसे पहली गर्ल कौन आई थी, उनका क्या नाम था? बीबी हवा. और शिज़ा आपको स्टोरी पता है कि क्या हुआ था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो फिर शैतान ने उनको कैसे ट्रिक किया था? आपको स्टोरी पता है? इतना इस अप्पल. जब वो कहाँ पे, क्या शैतान ने क्या कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को? और बीबी हवा को भी. जी, क्या कहा था शैतान ने? इट्स नाइस. शैतान ने पहले उनको ब्यूटीफुल एप्पल दिखाया था और अल्लाह ताला ने ओके, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम? नो, क्या, डोंट ईट द एप्पल. अल्लाह ताला ने मना किया था उनको, और शैतान ने फिर उनको कैसे ट्रिक किया था? फिर क्या हुआ था? फिर वो शैतान की ट्रिक में आ गए थे. फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने. तो चलें, ये शिज़ा ने आपको छोटा सा एक समरी दे दी है, और अब मिराल आपको स्टोरी पढ़ के बताएंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Have you ever heard about the first human Allah created? शिज़ा ने भी बताया था. Prophet Adam is the first man. Allah had ever created. He was created from soil. Then Allah created Bibi Hawa as Adam's wife. They live happily in paradise. Then Allah sent Adam, Hazrat Adam alaihissalam, and Bibi Hawa down to earth because they ate a fruit that was forbidden. Adam sought forgiveness from Allah for his mistake. On earth, they had children and grandchildren. Now all humans live on earth. शिज़ा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ. अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से पैदा किया? मट्टी से बनाया है हमें. ओके, तो अच्छा, तो मैं आज आप लोगों को एक दुआ बताती हूँ. अब आप लोग मेरे साथ पढ़ना शिज़ा, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, जब शैतान ने ट्रिक किया था, तो फिर उन्होंने पता है कौन सी दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से? मैं बताती हूँ. अल्लाह, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, फिर वो दुआ मांगने से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को माफ़ कर दिया था.
तो चलो आप लोग पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बाना ज़लमना अनफुसाना अनफुसाना वइल्लम वइल्लम तग़फिर लना तग़फिर लना वतरहमना वतरहमना लना लना कुनन्ना कुनन्ना मिनल ख़ासिरीन मिनल ख़ासिरीन। इसका मतलब है अल्लाह ताला, we have wronged ourselves and if you do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers. तो ये इस दुआ का मीनिंग है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस दुआ को याद करना है और ये फॉरगिवनेस के लिए, अल्लाह ताला से माफी मांगने के लिए दुआ है। ओके शिजब, आप बहुत हैप्पी हो रही है। ओके अब शिजब, मेराल ने बहुत अच्छे से आदम अलैहि सलाम की स्टोरी सुनाई है और शेजा ने और मेराल ने बहुत अच्छे मुझे क्वेश्चन के आंसर्स भी बताए हैं। तो ये है मेराल का प्रेजेंट और ये है शेजा का प्रेजेंट।